हंस वाहिनी अम्ब आन विराजो कंठ बे माँ तुम्हें रो वर्णनामर्थ संहानाम रसानाम संदर्शाम मंगलानाम चकर्तारो वंदे वाणी विनायक शिव समान दाता नहीं विपति शिव नंदी के यसवा लेत सदा सुध दीन की सहज दया के धाम जननी जनक सदा जय श्री सीताराम। बोलिए श्री राम जी महाराज नाम करते हुए मंच पर उपस्थित सभी चरणों को बारंबार प्रणाम करते हुए मंच रूपी नैया के खियोइया हमारे ताऊ जी कहते हैं कि नाव में बैठने वाले कितने भी अच्छे हों, कितने भी समझदार हों, और चलाने वाले समझदार ना हो तो पता नहीं कहाँ बीच नदी में नाव डोलने लगे, पता भी नहीं है ना। तो सबको संभाल रहे हमारे ताऊ जी संचालक पद पर प्रतिष्ठित बारंबार प्रणाम है, जिनके प्रयास से हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। तबले पर संगति दे रहे भैया जी, आर्गन पर संगति दे रहे भैया जी, और नल पर सुंदर संगति दे रहे भैया, सभी को धन्यवाद है, साधुवाद है। यहाँ पर उपस्थित सभी के हृदय पर विद्यमान श्री सीताराम जी की प्रतिमा को सिया राम मैं सब जग जाने कर हूँ प्रणाम, जोर जोर पाने की भावना से प्रणाम करती हूँ। ये जो समय मिला है, आज सत्संग का विराम दिवस भी है, तो जो भी समय है उसी समय पे अपनी बात को रखते हैं, दोबारा प्रभु के नाम का संकीर्तन करते हैं, इसके बाद जैसी मति प्रभु देंगे वैसी गति बनाने का प्रयास करेंगे। पायो जी मैंने राम रतन धन पाया, राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, राम रतन धन पायो 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 राम।
वालों की सेवा भी करते जाइए। आज बजा लीजिए, कल से नहीं कहेंगे, चाहे जो भी करिए। राम जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन, राम रतन धन, राम रतन धन पायो। हमारा तो सौभाग्य है कि हमने जो धन पाया है वो बहुत अच्छा पाया है ना। आप भी अपने पे गौर करिए कि हमने पाया है कि नहीं पाया है। एक बात कहें, हम कैसे हैं ये हमसे ज्यादा कोई जान ही नहीं सकता है। हमारे अंदर क्या चल रहा है, हम कैसे हैं, हमारी प्रवृत्ति क्या है, स्वयं को यदि आपको यदि कोई समझ सकता है और बहुत अच्छे से समझ सकता है वो खुद आप ही हैं। आपसे ज्यादा आपको आज तक ना कोई जान पाया है और ना कोई जान पाएगा, कोई नहीं जान पाएगा। आप समझ रहे हैं, आप जान रहे हैं कि हमारे हृदय में क्या चल रहा है, हमारे मन में क्या चल रहा है, हम किसके प्रति क्या भाव रखते हैं और क्या सोच रहे हैं, ये कौन जानता है? आप जानते हैं ना। अपना भला बुरा कौन जानता है? आप ही जानते हैं। तो सीधी सी बात है, आपने कौन सा धन पाया है ये भी आप जानते हैं, बताने की जरूरत है ही नहीं। कल जो प्रसंग चल रहा था ना, कि जो राजा दशरथ जी ने जो वरदान दिए थे कैकेयी मैया को, वो वरदान उन्हीं के वरदान उन्हीं पर भारी पड़ गए। क्यों भारी पड़ गए, कभी विचार किया? मेन पॉइंट पे ही पहुंचते, मेन बिंदु पर पहुंचते हैं। राजा दशरथ जी के जो दो वरदान थे वो वरदान उन्हीं पर भारी पड़ गए। उन्हीं वरदान के कारण उनके पुत्र उनसे दूर चले गए। क्यों? क्योंकि जब वो वरदान दिए थे ना, वो वरदान कब दिए थे? जब राजा दशरथ जी बहुत प्रसन्न थे, बहुत खुश थे। इसका भाव यही है कि जब आप कितना भी खुश हो ना, आप बहुत ज्यादा खुश हैं, तो उस समय किसी को भी ऐसे वरदान नहीं देने चाहिए। हम कह देते ना, बहुत खुश होते हैं तो जो मन में आता है कह देते हैं कि हम ऐसा करा देंगे, ये करा देंगे, वो करा देंगे। तो जब हम प्रसन्न होते हैं ना, तो हमें बहुत सोचने की आवश्यकता होती है कि उस समय हम क्या कह रहे हैं। तो जब प्रसन्न हो तब भी सोच विचार कर ही वचन देना चाहिए। देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? देना तो ऐसे ऐसे, नहीं तो ऐसे ऐसे, हमें भी पता चलता रहे। जब प्रसन्न हो तो भी वचन दीजिए, तो विचार कर दीजिए, बहुत विचार कर। और जब दुखी हो, जब क्रोधित हो, कहते हैं क्रोध जरूरी है, लेकिन अत्यंत जब क्रोध आता है ना, वो भी हानिकारक होता है। तो जब प्रसन्न होते हैं तो उस समय जो वचन दिए जाते हैं तो भी विचार करके देना चाहिए, और जब हम क्रोधित होते हैं तब जो शब्द हम बोलते हैं वो कटु वचन भी विचार करके देना चाहिए। एक छोटा सा उदाहरण आपको बता दें। एक उदाहरण तो यही है कि राजा दशरथ जी प्रसन्न थे तो वचन दे दिए, और वही वचन उन पर भारी पड़े। जो क्रोध की बात आती है ना, राजा प्रताप भानु जी का नाम सुना है आप सबने, सुना ही होगा। जब भोजन करने के लिए, प्रसाद पाने के लिए जब संत सभा बैठी थी, ब्राह्मण सभा जब बैठी हुई थी ना, तो आकाशवाणी होती है कि आप जिस भोजन को ग्रहण कर रहे हैं, पान कर रहे हैं, वो अशुद्ध है, शुद्ध नहीं है। तो जितने भी वहां पर ब्राह्मण थे सबने श्राप दे दिया, जहाँ ये निशाचर हो तो मूढ़ सहित परिवार। और तब बाद में पता चला, आकाशवाणी पुनः होती है, तब कहा कि आपने क्रोध में आकर, आवेश में आकर गलत श्राप दे दिया है। क्यों? क्योंकि इसमें राजा प्रताप भानु का कोई भी दोष नहीं है। इसलिए कभी भी हमेशा विचार करके सामने वाले को कुछ भी बोलना है ना, एक बार स्वयं के अंदर विचार कर लेना चाहिए। क्यों? ये मुख रूपी धनुष से जो बाण निकलता है ना, वो कभी वापस नहीं आता है। वरदान मांगा मैया कैकेयी ने, पहला वरदान
वरदान कैसे मांग रहे हैं? सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का तो देहु एक वर भरत ही टीका। जब ये बात कही ना तो राजा दशरथ जी को कोई भी अपने जो खुद निर्णय लिया था कि राम को राजा बनाना है, जब भरत की बात आई तो कोई भी उन्हें पश्चाताप नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि राजा दशरथ जानते हैं कि हम जो है ना, जैसे राम मुझे प्रिय है वैसे भरत मुझे प्रिय है। मैं तो बड़ा छोटा जानकर की ही मैंने ये निर्णय लिया है। मैया ने कहा कि पहला वरदान कौन सा? भरत ही टीका, भरत को तिलक दे दीजिए। और दूसरा वरदान कौन सा मांगा? मांगने की कला तो देखिए कि पहला वरदान तो ऐसे मांग लिया, साधारण मांग लिया, लेकिन जब दूसरा वरदान मैया ने मांगा है ना तो झोली फैला दे। झोली फैला कर मांगते हैं प्रभु। एक जो दूसरा वरदान है ना, मांगो दूसरा वर कर जोरी, हाथ जोड़कर मांगती हूँ। पुर बहुनाथ मनोरथ मोर, दूसरा जो वरदान मांगने जा रहे हो ना, मेरा आपसे निवेदन है, पहला वरदान साधारण मांगा वो पूरा करिए ना करिए कोई बात नहीं, लेकिन जो दूसरा वरदान है उसको जरूर पूरा करिए, उसे पूरा करना है। तापस वेश विशेष उदासी, तापस वेश विशेष उदासी, तापस वेश विशेष उदासी, चौदह बरस राम बनवासी बनवासी, मांगू दो सर वर कर जोरी, पुर बहुनाथ मनोरथ मोरी, तापस वेश विशेष उदासी, चौदह बरस राम वनवासी, चौदह बरस राम वनवास, राम वनवास। क्या कहा? चौदह वर्ष राम वनवास। ऐसा जब वरदान मांगा है, राजा दशरथ जी ने कहा एक बात बताओ, कहीं तुमसे अधिक प्रेम तो राम को कौन कोई करता नहीं है, और फिर भी ऐसा वरदान मांग रही हैं। राजा दशरथ जी ने कहा कि आप भी जानती हैं कि मैं बड़ा छोटे विचार जी करत रहो नृप नीति, मैं तो केवल छोटे बड़े का विचार कर रहा था, वरना मेरे मन में कोई कपट नहीं है। और कहीं यदि तुम्हारे मन में ये विचार आता हो कि मैया राम जी की माता कौशल्या ने कुछ कहा है मुझसे, तो सच कहूं उन्होंने मुझसे कुछ भी नहीं कहा है, कुछ नहीं कहा है। ये जो निर्णय है वो मैंने लिया है, और ये गलती मेरी है कि मैंने आपको नहीं बताया है, ये मेरी गलती है। पहला वरदान जो कहीं तुमने मांगा है ना भरत के लिए, मैं उससे सहमत हूं, लेकिन जो दूसरा वरदान आपने मांगा है ना उससे सहमत नहीं हूं। राजा दशरथ जी ने समझाने का प्रयास किया, लेकिन मैया कहकई ने कहा, महाराज एक बात आपसे कहें, यदि प्रातः काल होते हुए राम यदि वनवास नहीं गए तो मेरी मृत्यु होगी और आपका अपयश होगा, इसलिए मैं चाहती हूँ कि कोई भी यदि राजा है ना, यदि राजा हमेशा से सही कार्य करता रहो, नीति के साथ कार्य करता रहो, और यदि उसको कलंक लग जाए ना तो मृत्यु से बढ़कर होता है, इसलिए मैं नहीं चाहती हूँ, आप मेरे पति हैं, मैं नहीं चाहती हूँ कि आपको कलंक लगे, इसलिए कलंक मुझे लग जाए, आपके प्राण चले जाए वो स्वीकार है, लेकिन कलंक लेके आपको जीना पड़े ये मुझे स्वीकार नहीं है,
इसलिए प्रभु आपसे निवेदन है, मन में विचार करती है कि आपको कभी कलंक नहीं लगने दूंगी, क्योंकि कोई पत्नी संसार में ऐसी हो ही नहीं सकती है जो ये चाहे कि मेरे पति को कलंक लग जाए। और यदि जो ऐसा कार्य करते हैं ना, वो सच में पत्नी हो ही नहीं सकती है। पत्नी कौन है? जो अपने पति को पतन के मार्ग से निकाल कर लाती, वही पत्नी है। दूसरी बात कहें, आज राजा दशरथ जी शिव जी को मनाने लगे, प्रभु ये आपने क्या किया है? अब मुरी नैया पार करोगे, ऐसे बीच में लाकर आपने छोड़ा है ना प्रभु, कि अब ये बताइए कि ना ही वचन तोड़ सकता हूँ और ना ही राम जी को वनवास भेज सकता हूँ। कब मुरी नैया पार करोगे, कब मुरी नैया पार करोगे, कब मुरी नैया, कब मुरी नैया पार करोगे, कब मुरी नैया पार करोगे, कब मुरी समझो मन मा। मैया कह कह कहते हैं, एक बार जो मैंने वचन कहा है, जो बात कही है ना, एक बार मन में विचार कर लीजिएगा। शिव जी से कहते हैं, प्रभु कैसी विडंबना में आपने डाल दिया है, प्रातः काल जैसे ही आज हुई है, जितने भी नगर में लोग हैं, सुमंत्र जी सभी परेशान हो रहे हैं कि जो प्रथम पहर में ही जग जाते हो, और आज हुआ क्या है, इतनी वेला हो रही है, इतना समय व्यतीत हो रहा है, लेकिन फिर भी आज राजा दशरथ जी जगे नहीं हैं। सभी को चिंता होने लगी, राम जी से भेंट हुई, और सच कहे तो आज हमारा विचार है कि हम केवट प्रसंग सुनाएं, इसलिए सोच रहे हैं यहाँ से गाड़ी थोड़ा जल्दी बढ़ा लेते हैं। सभी से वार्ता हुई, राम जी से सुमंत्र जी मिले हुए हैं, और राम जी से भेंट हुई, राम जी मैया कैकेयी से मिले, कैकेयी के पास जैसे ही गए हैं और पूछा, मैया ये बताइए कि मेरे पिताश्री की ऐसी हालत क्यों हुई है? मैया कैकेयी ने कहा, राम मैंने पहले वरदान में भरत को राज्य और दूसरे वरदान में आपको मैंने वनवास मांग लिया, यही सुनकर के आपके पिता की ऐसी गति हुई है। राम जी ने कहा, माँ एक बात कहें, मेरे जैसा तो कोई भाग्यशाली हो ही नहीं सकता है, जो अपने माता पिता के वचनों पर खरा उतरे, उनके वचनों को पूर्ण करे, ऐसा पुत्र बड़ा ही भाग्यशाली होता है, और मैं स्वयं को बहुत भाग्यशाली समझता हूँ कि आपने आज्ञा दी है और मैं उस आज्ञा का पालन कर सकता हूँ। मैया ने कहा, तो फिर राम प्रातः काल होते ही, प्रातः काल हुई है और आप आज ही आपको ये वस्त्रों का त्याग करके, राजसी सुख सुविधा का त्याग करके आपको आज वनवास जाना पड़ेगा। राम जी ने स्वीकार कर लिया। आज राम जी मैया कौशल्या जी के पास पहुंचते हैं, जैसे ही कौशल्या मैया जी के पास पहुंचते हैं ना, तो मैया कौशल्या कहती है, राम मैंने देखो कितने मिष्ठान बनाए हैं, कितनी मिठाइयाँ बनाई हैं, आप जाइए स्नान करके आइए और जो आपको अच्छा लगे आप उसको ग्रहण कीजिए, जो आपको प्रिय लगे, आपको जो भी उचित लगे आप उसको पान कीजिए, उसे ग्रहण कीजिए। ऐसी बातों को सुनकर प्रेम
पूर्वक जो शब्द मैया ने कहे उन शब्दों को सुनकर राम जी कहते हैं, मैया एक बात कहें, आप मेरे अभिषेक की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन राम जी कहते हैं, मैया मेरे पिताजी ने मुझे वन का राज्य दे दिया है, आप इस छोटे से राज्य की बात करते हैं, मेरे पिताश्री ने तो मुझे जाने कितना बड़ा राज्य दे दिया है, मुझे 14 वर्षों के लिए मेरे पिताश्री ने वन का राज दिया है, मैं वन में रहूंगा। मैया कौशल्या ने जैसे इतना सुना और मैया कौशल्या ने कहा, राम जी एक बात बताओ, क्या ये पिताजी ने केवल पिताजी की आज्ञा है कि तुम वन रहो? यदि केवल पिता ने कहा है कि तुम वन रहो, वन का राज तुम्हें देता हूँ, तो फिर राम पिता से बढ़कर माँ होती है, इसलिए मैं कहती हूँ कि तुझे वन नहीं जाना है। और मैया कौशल्या कहती है, यदि राम माता ने भी कहा है, यदि दो माताओं में से किसी भी माँ ने कहा है कि राम तुम वन जाओ, तो फिर मैं भी आज्ञा देती हूँ राम कि तुम वन जाओ, क्योंकि तुम यदि वन गए तो तुम भी वन जाओगे, इसलिए तुम्हें वन जाना जरूरी है। एक बात कहें, राम को जन्म देने वाली यदि कोई माँ है वो कौशल्या माँ है, लेकिन एक राम को पुरुषोत्तम राम बनाने में यदि किसी का हाथ है, पुरुषोत्तम राम को जन्म देने का यदि कार्य किसी ने किया है, वो मैया कौशल्या ने किया है। मैया कौशल्या ने किया और मैया कैकेयी ने किया है। यदि मैया कैकेयी राम जी को वन नहीं भेजती, तो राम जी उस जिस प्रकार से हम जानते हैं ना, जगत नियंता जनता धार, जिस राम को हम पहचानते हैं जानते हैं, उस राम को कभी जान नहीं पाते। तो एक साधारण राम को जन्म देने वाली मैया कौशल्या है, लेकिन पुरुषोत्तम राम को जन्म देने वाली मैया कैकेयी हैं, इसलिए उनके लिए अशब्द कहना यह हमारी मूर्खता है। हमें तो हमेशा उनका जो उपकार हमारे ऊपर है ना, हम सभी को हमेशा कहना चाहिए, मैया कि जो उपकार आपका है, स्वयं पर कलंक लेकर जो जगत के लिए काम किया है आपने, वो कोई साधारण व्यक्ति कर ही नहीं सकता है। वनवास जाने की बात जब मैया जानकी जी ने सुनी, जानकी मैया दौड़ती हुई मैया कौशल्या जी के पास आती है और कहती है, मैया क्या मैं भी जा सकती हूँ? राम जी ने कहा कि सीता आप यहीं रहिए, आप कौशल्या मैया की सेवा करिए, आपको यहीं रहना पड़ेगा। लेकिन मैया ने कहा, एक बात कहे प्रभु, एक पत्नी के लिए चाहे संसार के जितने भी रिश्ते हैं, बहन आ जाए, भाई आ जाए, पिता आ जाए, माँ आ जाए, लेकिन यदि उसके साथ पति नहीं है ना, यदि पति उसके साथ नहीं है, तो संसार के जितने भी रिश्ते सब व्यर्थ हैं। एक पत्नी है ना, वो सभी रिश्तों को ठुकरा कर केवल पत्नी पति के आश्रित होकर अपना जीवन सुखी व्यतीत कर सकती है, और यदि पति ना हो ना, तो उस स्त्री को जीवन व्यतीत करने में ऐसा लगता है कि पूरे संसार का जो दुख है ना, वो मेरे ऊपर ही, मुझे ही दे दिया गया है। इसलिए मैया जानकी ने कहा, राम जी मैं आपसे कहती हूँ प्रभु, मैं आपके साथ जरूर जाऊंगी। मैया ने भी आज्ञा दे दी, कौशल्या मैया ने भी आज्ञा दे दी। अब जब ये बात लक्ष्मण जी को पता चली, लक्ष्मण जी आते हैं, कहते हैं प्रभु हम भी आपके साथ चलेंगे। और तब राम जी ने कहा, ऐसा है लखन, यदि हमारे साथ जाना चाहते हो तो मैया से अनुमति लेकर आओ। और जब मैया के कक्ष में जाते हैं तो विचार करते हैं, कहीं ऐसा ना हो मैया मुझे मना कर दे कि आपको राम जी के साथ नहीं जाना है, तब फिर मैं क्या करूँगा। बड़ी विडंबना के साथ विचार करते करते आज पहुंच रहे हैं मैया के पास। जैसे ही पहुंचे, मैया से कहते हैं, माँ राम जी को 14 वर्ष का वनवास मिला है, वो वनवास जा रहे हैं। मैया ने कहा, यदि राम वनवास जा रहे हैं तो लखन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें भी जाना चाहिए। यदि राम यहाँ अयोध्या में नहीं रहेंगे, यदि राम वनवास जाते हैं तो लखन ये मेरी आज्ञा है, ये मेरी, मैं तुम्हें अनुमति देती हूँ कि यदि राम वन जाते हैं ना, तो तुम्हारा यहाँ पर कोई कार्य नहीं है, आपको भी राम जी के साथ जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि अवध वही है जहाँ पर राम है, और जहाँ राम नहीं है वहाँ अवध होकर भी अवध नहीं है। इसलिए यदि राम वनवास जाते हैं तो वही वनवास भी, वही वन भी अवध के समान है। जिस प्रकार से अच्छा विचार करिए,
पूरब दिशा कहाँ होती है? सूर्य कहाँ से निकलते हैं? कहाँ से निकलते हैं बोलिए? पूरब से। पूरब से निकलते हैं या सूर्य जहां से निकलते हैं वही दिशा पूरब हो जाती है? बताइए। अगर हम पता कैसे करते हैं कि कौन से दिशा उत्तर दक्षिण कौन है? सूर्य देवता निकलते हैं तभी तो पता होता है ना। यदि सूर्य देवता यहाँ से निकले तो यही पूरब, यहाँ से निकले तो यही पूरब, अर्थात जहाँ से सूर्य देवता निकलते हैं वही दिशा ही पूरब हो जाती है। उसी प्रकार से राम जहाँ भी मिलेंगे ना वही नगर, वही राज्य, वही वन भी अवध हो जाता है। वही इसीलिए लखन तुम्हें यहाँ पर रहने की आवश्यकता नहीं है, तुम भी जाकर राम जी के साथ जाओ। ये अनुमति जैसे मिलती है ना दौड़ते हुए राम जी के पास जाते हैं। क्यों? क्योंकि मैया ने कह रखा है। तात तुम्हारे मात वैदेही पिता राम सब भात सनेही, जैसे राम। यदि राम और सीता जी अयोध्या छोड़कर जाते हैं तो अवध है तुम्हारे काज कछु नाही। कोई भी जरूरत नहीं है आपकी। तुम्हारे पिता कौन है? राम जी है। तुम्हारी माँ कौन है? जानकी जी है। इसलिए आप प्रेम से जाइए। और राम लखन एक काम करना कि स्वप्न में भी कभी भी हम लोगों की याद ना आए, ये विशेष याद रखना, ये बात हमेशा याद रखना। जब इतनी बात कही तो लखन जी ने विचार किया कि ये माँ ने बड़ी विडंबना में डाल दिया है कि जागते हुए तो अपने मन पे हम उसे बांध सकते हैं, मन को बांध सकते हैं, लेकिन स्वप्न में तो किसी का भी मन पर कोई कंट्रोल होता ही नहीं है, तब फिर क्या करेंगे? इसलिए कहा है कि लखन जी सोए ही नहीं है। जब राम जी लखन जी से कहते हैं कि सो जाइए, तब पता है क्या होता है? राम जी कहते हैं लखन बड़ी प्यारी सी छोटी सी बात आपसे कहे। जब एक समय राम जी ने वनवास में ही जब कहा कि आप सो जाइए, तो राम जी क्या लखन जी क्या कहते हैं कि सो बहुतात भई अब रात, कहत रघुनाथ जो भ्रात हमारे। राम जी कहते भैया सो जाइए, लखन जी कहते प्रभु सुनो प्रभु बात लखन सकुचात, जो सो हम जात मही को सवारे। प्रभु यदि हम ही सो जाएंगे तो हम सो जाएंगे तो ये संसार वाले हमेशा के लिए सो जाएंगे। सोना प्रभु बात लखना सकुचात, कि सो हम जात मही को सवारे। और सेवक जो मैं हूं ना, मैं सेवक हूँ, स्वामी संग सुख आस नहीं तो कैसे हैं हम दास तुम्हारे। यदि हम सेवक होकर भी स्वामी के साथ सुख की आशा रखें तो फिर हम कैसे दास हैं आपके? इसलिए उन्होंने सोने का त्याग ही कर दिया, सोए ही नहीं। इसलिए जब उन्हें शक्ति लगी है ना तो लखन जी कुछ जो शक्ति लगी है, अच्छा विचार करिए राम जी के रहते हुए उनके भाई को शक्ति लग सकती है भला? लेकिन राम जी भी जानते हैं मेरे भैया सोए नहीं हैं, इसी बहाने एक रात्रि सो ही नहीं। वो तो सारी लीला है प्रभु की कि जब तक बूटी नहीं आएगी तब तक वो मूर्छा अवस्था से ठीक नहीं होंगे, लेकिन सत्य तो यह है परम पिता परमात्मा परम ब्रह्म श्री राम के होते हुए उनके भाई को शक्ति लग जाए। ये है क्या? क्या ये प्रभु की लीला है? वो चाहते हैं कि मेरे भैया सोए नहीं है तो ये अच्छे से सो ले। वनवास की जैसे ही तैयार हुई समय भी पूरा हो गया है। अब देखते हैं जब राम जी चाहेंगे तभी यहाँ केवट प्रसन्न होगा, साधारण नहीं होगा। वनवास की तैयारी होती है। वनवास की तैयारी के बाद
चित्रकूट तुरंत बातों बातों में एक मिनट में ही पहुंचा देते हैं, क्योंकि ऐसे छोड़ना भी ठीक नहीं है। वनवास की तैयारी हुई। आज राजा दशरथ जी ने सुमंत्र जी को बुलाकर कहा कि ऐसा है, दो चार दिन में घुमाकर इन्हें ले आइएगा। सभी व्याकुल है, सभी कहते हैं कि राम जी हम सबको छोड़कर जा रहे हैं, अयोध्या के लोग पीछे पीछे जा रहे हैं। और जैसे ही महाराज तमसा नदी के किनारे आते हैं, उनको राम जी छोड़कर धीरे से निकल लेते चले जाते हैं कि आप सोते रहिए, और जो सोते रहते हैं उनके जीवन से राम जी हमेशा के लिए चले जाते हैं। निषाद राज जी से भेंट होती है, नदी से पार होते हैं। इसी प्रकार से चर्चा होते होते महाराज वो सीधे चित्रकूट पहुंच जाते हैं। और क्षमा करिएगा, जल्दी पहुंचाना ही जरूरी है। बोली श्री राम जी महाराज, संत समाज। अरे कम से कम इतनी तो जय घोष तेजी से क्या करिए कि वहां जो खड़े हैं उनको तो पता चल जाए यहाँ कुछ हो रहा है। बोले श्री हनुमान जी महाराज की, संत समाज की, श्री राम जी महाराज की, राम लला की, जय जय सीताराम। एक छोटा सा बस दो मिनट का ही वजन है, समय अधिक नहीं लेंगे। हर घर में अब एक ही नाम, एक ही नारा।